चिली का लेक उड़ीसा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उड़ीसा के चिलिका लेक के बारे में। उड़ीसा राज्य में स्थित चिलिका लेक केरला के भीमबानड लेक के बाद भारत का सबसे बड़ा लेक है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला चिलिका लेक में मछलियों की करीबन 225 प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम में यहां आपको बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियां देखने को मिलेंगी और ये काफी प्रचलित पर्यटक आकर्षण है। यहां पे पर्यटक बहुत आना पसंद करते हैं और बाहरी पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं और ये 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। ये समुन्द्र का ही एक भाग है जो कि महानदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने के कारण समुन्द्र से अलग हो गई। ये उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्टों में फैली हुई है, पुरी, खुर्दा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट, और ये पुरी से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। चिलिका लेक 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। चिलिका लेक को खरे पानी का लगून भी कहते हैं। ये दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है और यहाँ पे कई खूबसूरत द्वीपें हैं जिनमें से कुछ प्रचलित द्वीप जहाँ आप जा सकते हैं। नालाबला आइलैंड, कालीजाई आइलैंड, राजंस आइलैंड, ब्रेकफास्ट आइलैंड, बर्ड्स आइलैंड, सानाकुडा और दानाकुडा आइलैंड्स आप चिलिका में देख सकते हैं। साथ ही में इन द्वीपों पे कुछ प्रचलित जगह जहाँ आप जा सकते हैं, कालीजाई टेम्पल, नालाबला बर्ड सेंचुरी, बलिहारा चंडी टेम्पल, चिलिका सी माउथ बीच, पिकनिक स्पॉट सातापड़ा, रामभा चिलिका लेक व्यू पॉइंट, जैसे और कई सारे जगह हैं जो आप इन द्वीपों पे देख सकते हैं। और अगर आप बर्ड लवर्स हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ सर्दियों के मौसम में देश विदेश से पक्षियां आती हैं। चिलिका लेक में आपको डॉल्फिन्स भी देखने को मिलेंगी और ये बोटिंग और फिशिंग के लिए भी बहुत ही फेमस है। यहाँ से सनराइज और सनसेट का भी काफी खूबसूरत व्यू दिखता है जिसे देखने और अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग यहाँ काफी आना पसंद करते हैं। चिलिका लेक काफी बड़ा होने के साथ काफी खूबसूरत है और चिलिका लेक साल भर घूमने जाने के लिए अच्छा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।